प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने जारी प्रेस बयान में कहा कि अब कथित एनआईटी भर्ती घोटाले की लिखित शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मानव संसाधन मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल के साथ एमएचआरडी मंत्रालय के मुख्य सचिवों को की गई है। उन्होंने कहा कि एनआईटी हमीरपुर कुप्रबंधन का शिकार होकर भारी वित्तीय अनियमितताओं के घेरे में है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना व हिमाचली हितों की पैरवी करना मेरा धर्म और दायित्व है, लेकिन हैरानी ये है कि इस मामले पर सीधे तौर पर जिनकी जवाबदेही व जिम्मेदारी बनती है वे लंबे अरसे तक किस मकसद की पूर्ति के लिए इस गंभीर मामले पर चुप्पी साधे रहे। ये सवाल जनता व एनआईटी हमीरपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मामला अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और मानव संसाधन मंत्री के ध्यान में लाया गया है, जिससे अब प्रदेश की जनता में उम्मीद जगी है अब इस मामले पर कोई कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि एमएचआरडी मंत्रालय की ओर से उन्हें मेल द्वारा भेजी गई जानकारी की पुष्टि कर दी गई है, जबकि लिखित शिकायतों की पावती आनी अपेक्षित है। एनआईटी के मुद्दे को लेकर मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से लगातार इस मुद्दे को उठा रहा हूँ कि एनआईटी में जो भर्तियाँ की गई हैं वो सब जो है नियमों को ताक पर रखकर की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईटी में जितनी भर्तियाँ हुई हैं वो बाहर के लोग वहाँ पर रखे गए हैं और एक ही बिरादरी के लोगों की भर्ती ज़्यादातर हुई है। इस मुद्दे को लेकर पिछले लगभग 8-9 महीने से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और हैरानी इस बात की है कि हमारे जो यहाँ के लोकल सांसद हैं, केंद्र में राज्य वित्त मंत्री भी हैं, वो इस मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे हुए और अभी पिछले एक सप्ताह पहले उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को एचआरडी मिनिस्टर से मैंने उठाया है और इसकी जल्दी ही जांच करवाई जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने जो मेरिटोरियस हैं, जिनका हक बनता था, उनको दरकिनार करके बाहर के लोगों की भर्तियाँ हुई, तो सांसद महोदय चुप रहे और उन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं छेड़ा, जबकि जिम्मेवारी उनकी बनती है। केंद्र सरकार के अधीन ये इंस्टीट्यूशन नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, फिर भी सांसद महोदय जो कि उनके अपना गृह क्षेत्र है, अपने लोग हैं, उनके साथ जो है वो बेईमानी की जा रही थी, उनके साथ धोखा किया जा रहा था और जो जिन लोगों के हमारे हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं पढ़े लिखे, उनके जो हक थे उन पे जो है वो ढाका डाला जा रहा था, तो वो चुप बैठे हुए थे। अब उन्होंने कहा है, मैंने भी परसों 2 दिन पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है और साथ में